अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पेरा में तो बीजेपी लेट गवर्नमेंट है इन रिस्पॉन्सिबल एंड ब्रेजरली करप्ट राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं इसी देश में मतभेद होंगे उनके बारे में आपका मूल्यांकन है मतभेदों को प्रकट करने का तरीका है अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, थे जिनके एक एक जुमलों और अदा पर उनके विरोधी भी दाद देने से पीछे नहीं रहते थे जनवरी 1977 की एक सर्द शाम याद करिए दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं की एक रैली थी रैली यूं तो चार बजे शुरू हो गई थी लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की बारी आते आते रात के साढ़े नौ बज गए थे जैसे ही वाजपेयी बोलने के लिए खड़े हुए वहां मौजूद हजारों लोग भी खड़े होकर ताली बजाने लगे अचानक वाजपेयी ने अपने दोनों हाथ उठाकर लोगों की तालियों को शांत किया अपनी आंखें बंद की और एक मिसरा पढ़ा बड़ी मुद्दत के मिले हैं दीवाने वाजपेयी थोड़ा ठिटके लोग आपे से बाहर हो रहे थे वाजपेयी ने फिर अपनी आंखें बंद की फिर एक लंबा पॉज लिया और मिसरे को पूरा किया कहने सुनने को बहुत है अफसाने इस बार तालियों का दौर और लंबा था ये शायद विंटेज वाजपेयी का सर्वश्रेष्ठ रूप था हजारों हजार लोग कड़कड़ाती सर्दी और बूंदाबांदी के बीच वाजपेयी को सुनने के लिए जमा हुए थे इसके बावजूद कि तत्कालीन सरकार ने उन्हें रैली में जाने से रोकने के लिए उस दिन दूरदर्शन पर उन्नीस की सबसे हिट फिल्म बॉबी दिखाने का फैसला किया था लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ था बॉबी और वाजपेयी के बीच लोगों ने वाजपेयी को चुना उस रात उन्होंने सिद्ध किया कि उन्हें बेबात ही भारतीय राजनीति का सर्वश्रेष्ठ वक्ता नहीं कहा जाता उनके बारे में अक्सर कहा जाता था ए राइट मैन इन द रोंग पार्टी भारतीय राजनीति में वाजपेयी को उनकी जबरदस्त भाषण देने की कला और उत्कृष्ट संसदीय करियर के अलावा एक ऐसे शख्स के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने एक दक्षिणपंथी पार्टी का सदस्य होते हुए भी कभी अतिवाद की राजनीति नहीं की और राजनीतिक शिष्टाचार और मानवीय मूल्यों को हमेशा तरजीह दी राजनीतिक विरोधी होते हुए भी वाजपेयी के हीरो नेहरू हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू भी विदेशी मेहमानों से वाजपेयी का परिचय उभरते हुए सांसद के रूप में कराते थे वो कहा करते थे वाजपेयी विपक्ष के युवा नेता हैं हमेशा मेरी आलोचना करते हैं लेकिन मैं उनमें बहुत संभावनाएं देखता हूं। उन्नीस में जब वाजपेयी विदेश मंत्री बनने के बाद अपना कार्यभार संभालने अपने दफ्तर गए तो उन्होंने नोट किया कि दीवार पर नेहरू की लगी तस्वीर गायब है उन्होंने आदेश दिया कि उस तस्वीर को दोबारा उसी दीवार पर लगाया जाए वाजपेयी की जीवनी लिखने वाले किन्शुक नाग बताते हैं उन दिनों भारत एक रिपब्लिक बना था तो नेहरू वॉज द टॉलेस्ट लीडर तो वाजपेयी यंग लीडर थे यूपी के थे वो भी यूपी के थे वाजपेयी उनसे सीखते थे देख देख के सीखा उन्होंने काफी वो जो कमरा था वहा पे नेहरू बैठते थे नेहरू उस कमरे में नेहरू यूज टू तो होल्ड चार्ज ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑल्सो विदेश मंत्रालय के चार्ज में भी थे और प्रधानमंत्री भी थे प्रधानमंत्री का कमरा ही बाद में विदेश मंत्री का कमरा बन गया तो उस कमरे में बाद में जाके दूसरे जो मंत्री बने फॉरेन मिनिस्टर का रूम बन गया तो वहाँ नेहरू का पोर्ट्रेट रखा जाता था फिर जब वाजपेयी बने उसमें जनता गवर्नमेंट में तो वहाँ जो गए तो देखा लगा कि ये तो पोर्ट्रेट मिसिंग है तो उन्हें क्या कहा क्या तो था कहाँ गया बोले हाँ सर उनके जो लोग चमचे थे वो उन्होंने हटा दिया था फिर उनको लाया और वहाँ बैठ चेयर पर बैठ के वाजपेयी ने पहले शब्द ये कहा कि मैं कभी सोचा भी नहीं था मैं इस कमरे में कभी बैठ सकता हूँ जिस कमरे में पंडित नेहरू बैठते थे उस कमरे में मैं बैठा बैठाऊँ तो उनके दिल में बहुत रेस्पेक्ट था लाखों लोगों की भीड़ को अपने वाक कौशल से बांधने की कला वाजपेयी से बेहतर कम लोगों को आती थी। वाजपेयी के साथ ही और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को हमेशा ये कॉम्प्लेक्स रहा कि वो वाजपेयी जैसे वक्ता कभी नहीं बन सके उन्नीस में तिरपन में जब वो पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता के नाते राजस्थान आते थे और मैं उनके साथ दो राजस्थान के दौरों में साथ रहा तो उनके भाषणों को सुनकर के जिस प्रकार से हजारों लाखों लोगों को वो मंत्र मुग्ध करके रखते थे मेरे मन में एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ और वो कॉम्प्लेक्स ये है कि तुम भी राजनीति में हो लेकिन राजनीति में व्याख्यान देना एक महत्वपूर्ण गुण है पहलू है तुम इसके लायक नहीं हो और इसीलिए वर्षों तक मुझे याद है कि जब उन्नीस में उन्होंने मुझे कहा कि मैं चार साल रहा हूँ पार्टी का अध्यक्ष अब आप बनिए मैंने कहा मैं नहीं बन सकता मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता कहा पार्लियामेंट में बोलते हो मैंने कहा पार्लियामेंट में बोलना एक चीज है लेकिन पब्लिक मीटिंग में हजारों लोगों के सामने बोलना ये मेरे बस की बात नहीं मैं नहीं बोल सकता एक एक करके सब लोगों ने इनकार किया तब मुझे बनना पड़ा लेकिन दैट हैज ऑलवेज बीन अ कॉम्प्लेक्स विद मी उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिन्हे भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए उन्होंने कहा कि ये कहां से आए क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है ये हमारी परंपरा नहीं है ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे ये प्रकृति बनी रहे सत्ता का खेल तो चलेगा सरकारें आएंगी जाएंगी पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए इस देश का लोग मर रहना चाहिए लेकिन संसद में दिए जाने वाले भाषणों के लिए वाजपेयी बहुत मेहनत करते थे उनके निजी सचिव रहे और इस समय नेहरू लाइब्रेरी के डायरेक्टर शक्ति सिन्हा बताते हैं एक तो यहाँ की स्पीचेस स्पीचर्स कैंपेन हुए तो उसमें उतनी खास तैयारी नहीं जिस तरह से आदमी करता कर। पार्लियामेंट में कोई स्पीच देना है लोकसभा में कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर कुछ बोलना है तो बहुत मेहनत करते थे पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी से निकलवाते थे कोई पुराना मटेरियल उस समय से डिबेट हुआ उसमें ये है या फलाना अखबार में फलाने एडिटोरियल में फ़लाने किताब में कुछ है इसके बारे में ला के देखते थे पढ़ते थे नोट्स लेते थे लिखते रहते थे लिखते और ये नहीं कि लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे निबंध के जैसा नहीं लिख रहे हैं भाषा की तरह नहीं लिख रहे हैं बट केवल पढ़ते जा रहे हैं नोट्स लेते जा रहे हैं और ऊपर नीचे किया और फिर बोलते थे तो मेरे ख्याल से जितने वो पढ़ते थे लिखते थे वो अंदर मनन करके उसको और फिर अंदर ही में एक उसका ढांचा बनाते थे एक स्ट्रक्चर बनाते थे लेकिन आपने नोट किया होगा कि जब वो प्रधानमंत्री बने और जो जो सबसे महत्वपूर्ण स्पीच होती है जो लाल किले से दी जाती है वो अटल जी हमेशा प्रिपेयर्ड स्पीच देते थे ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों एक तो मेरे ख्याल से जो आदमी मैंने भारत को देखा था फ्रॉम अ कॉलोनी टू इमरजिंग कंट्री तो वो लाल किले का और प्रधानमंत्री का भाषण उनके दिमाग में जो इम्रिंट था उसका महत्वता तो चाहते नहीं थे कि वो कैजुअल स्पीच हो जाए पॉलिटिकल स्पीच हो जाए और प्लस वो ऐसी जगह जहाँ प्रधानमंत्री देश को संदेश देता है कुछ मुद्दे पर बोलता है कोई मुद्दा छूट जाए कोई मुद्दा में एम्फेसिस गलत हो जाए कोई फैक्ट गलत हो जाए ऐसा ना हो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अनंत साइनम आयंगर कहा करते थे कि अंग्रेजी में सीपीआई के हिरन मुखर्जी और हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी से अच्छा वक्ता संसद में नहीं था लेकिन हजारों लोगों को अपने भाषण से मंत्रमुग्ध कर देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी निजी जीवन में अंतर्मुखी और शर्मीले थे अगर ग्रुप है पांच छह लोग का तो लाजो काफी कहेंगे शाही रहते थे पर जिसके साथ वन इक्वेशन है आराम से गप करते थे गप शप बट हाँ जो कहेंगे बैक स्लैपिंग सोशल वेराइटी के एकदम नहीं एकदम नहीं हजारों के सामने एक बात है मगर ये भी मैं देखता था कि जब ना भी बोल रहे हैं वो बहुत अटेंटिव रहते थे लगता नहीं था पब्लिक इमेज जो है ऐसा नहीं था असल में बहुत अटेंटिव थे हर बात का हर नुवांस को वो कैच करते थे वाजपेयी अपनी सहजता और मिलनसारता के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं एक बार जब वो प्रेस क्लब एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे थे तो उनकी कार खराब हो गई और उन्होंने एक पत्रकार एच के दुआ जो बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बने के स्कूटर पर प्रेस क्लब पहुंचने के लिए लिफ्ट ली थी और मैं ऑफिस से निकला अपने इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था मेरी ड्यूटी थी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करनी है रफी मार्ग पे तो फिरोजशा रोड पे जा रहा था और देखा वाजपेयी जी वन फिरोजशा रोड के बाद जहाँ वो रहते थे ब्रीफ केस लेके खड़े हैं टैक्सी के शायद इंतजार कर रहे होंगे तो so मैंने सोचा मैंने वहीं जाना है जहाँ उनको जाना है मैंने स्कूटर रोक लिया वापस मुड़ के पूछा वाजपेयी जी मुझे वहीं जाना है जहाँ आपको जाना है वाजपेयी वॉज अ वा बिग स्पोर्ट टू द स्कूटर जम ट द फिलियन एंड वो ऑफ हम पहुंचे वहाँ पर विठल भाई हाउस जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सिंह की बीजेपी नहीं थी तब तो वहां पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े थे जो मीडिया से डील करते थे जगदीश माथुर उन्होंने कहा कल की हेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस में होगी वाजपेयी वाजपाई राइड ऑन दुआ स्कूटर अब वाजपेई तो बड़े विटी थे उतर उतर कह विरावर जगदीश जी हेडलाइन ये नहीं होगी हेडलाइन होगी एच के दुआ टेक्स वाजपेयी फॉर ए राइडीट शिव कुमार पिछले 46 वर्षों से अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे खुद उनके शब्दों में वो अटल के चपरासी रसोई बॉडीगार्ड सचिव और लोकसभा क्षेत्र प्रबंधक की भूमिका निभाते रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी को कभी गुस्सा आता था तो उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया तो एक बार वो बैंगलोर से आ रहे थे हम अकेले रहे थे दोनों एक नंबर फिर रोड पर मैं गया बैंगलोर लेने की जरूरत जाता था उनको लेके आता था तो हमारे कुछ और एक जगदीश माथुर हुआ करते थे पहले जनरल सेक्रेटरी उन्होंने कहा शिव जी चलो आज पिक्चर चलते हैं मन को पिक्चर नहीं जाएंगे हमको अटल जी को लेने जाना है उन्होंने कहा देखो प्लेन देर से आएगा इंग्लिश पिक्चर है छोटी पिक्चर है और रीगल में है जल्दी आ जाएंगे जनरली बेंगलोर का प्लेन लेट आता था पर उसको मेरा दुर्भाग्य कहिए या क्या कहिए प्लेन लेट नहीं टाइम पर आ गया पिक्चर देर से छूटी गाड़ी लेके मैं उनको लेने गया एयरपोर्ट पर अटल जी नहीं प्लेन आ गया लिस्ट में नाम देखा अटल जी आ गए और मकान की चाबी मेरे पास अब मैं वहाँ से मेरे सारे देवताओं को मनाता हुआ पहुँचा देखा तो वो हमारा जो लॉन है छोटा सा उस पर ब्रीफ केस रखा हुआ और घूम रहे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ जाऊँ उनके पास एक बार एकदम से फिर भी जाना तो था ही गाड़ी खड़ी की और बोले कि आप कहाँ चले गए थे मैंने कहा मैं सिनेमा चला गया था सिनेमा चले गए थे और यार हम भी चलते हैं आपके साथ कल चलते आप देखें बड़प्पन वो चाहते थे मुझे डांट सकते फटकार सकते थे नहीं चलो चलो मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है अभी और राजमाता सिंधिया के साथ सिंधिया हाउस में पुरानी दिल्ली में जो पहले पुराने जमा का जो एक ओबराय होटल होता तो वहाँ एक मीटिंग थी वहाँ जाना था तो मेरा इंतजार करते रहे और मेरे को एक शब्द नहीं कहा तब से मैं समझ गया मैंने कहा इससे बड़ा महान आदमी कोई हो नहीं सकता ये कालकूट विष पी सकते हैं उसको गले से नहीं उतरेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की पैठ विदेशी मामलों में अधिक थी लेकिन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने आर्थिक मसलों पर ज्यादा काम किया मैंने किंशुग नाक से पूछा कि आप उनके प्रधान काल को किस तरह से आंकेंगे? 2002 तक तो बहुत बढ़िया था वैसे वो इकोनॉमिक एजेंडा पे इलेक्ट नहीं हुए थे पर उन्होंने काफी जो है, आपको मिलते हैं चारों तरफ अच्छे रास्ते मिलते हैं क्रिस क्रॉसिंग द कंट्री वो उन्होंने ही चालू किया शेर सूरी के बाद शायद इज वन ऑफ द बिगेस्ट रोड बिल्डर्स इन कंट्री परंतु 2002 के बाद जब गुजरात राइट के बाद उनप अंकुश लग गया तो उनकी इकोनॉमिक रॉ के पूर्व प्रमुख ए एस दुलत ने अपनी किताब वाजपेयी ईयर्स में लिखा था कि वाजपेयी ने गुजरात दंगों को अपने कार्यकाल की एक बहुत बड़ी गलती बताया था किंगशुक नाग भी कहते हैं कि गुजरात दंगों को लेकर वो कभी सहज नहीं रहे ताकि वो बड़े अनकंफर्टेबल थे जो गुजरात में हुआ था और वो तय कर चुके थे और जॉर्ज फर्नांडस भी राइट के बीच में आए थे और तब जॉर्ज फर्नांडस भी पूरी जानकारी ली थी उन्होंने तो ये तय था कि वो वहाँ से मोदी साहब की रिजिग्नेशन लेंगे और एक दिन रात को मेरे को याद है मेरे को सुंदर सिंह भंडारी जो गवर्नर थे गुजरात के उनके क्लोज कॉन्फिडेंट ने बोला कि अरुण जेटली साहब आए हैं और ये उनकी रेजिग्नेशन लेने ये फिर इसके बाद ये दोनों जाएंगे गोवा में जहाँ रिजाइन करेंगे नरेंद्र मोदी साहब पर ऐसा हुआ नहीं वहाँ पे जाके मोदी साहब ने अपनी इस्तीफा तो दी पर लोगों ने उनकी जो यंगर टक्स थे पार्टी के उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया इस्तीफा मत दो इस्तीफा मत दो लेकिन वाजपेयी किससे प्रभावित थे उन्होंने अपना स्टैंड बदला कैसे वाजपेई कॉम्प्रोमाइज हो गए ना उन्होंने देखा पार्टी मेरे खिलाफ चली गई है मॉडरेट फोर्स कुड नॉट डोमिनेट उसके बाद अटल जी को खाने का बहुत शौक था खासकर मिठाइयों का वो खुद खाना भी बनाया करते थे उनके निजी सचिव शक्ति सिन्हा याद करते हैं देसी खाने का खाने का काफ़ी शौक़ था तो विस्टर्स अब सुबह नौ बजे से बारह बजे तक चार पांच मीटिंग हो जाए हर मीटिंग में समोसा आ जाए गुलाब जामुन आ जाए रसगुल्ला आ जाए पकौड़ा आ जाए तो खाने के बड़े शौकीन थे खाना को हर तो मना करना पड़ता था कि नहीं साफ को मत देना

हर तरह के शस्त्र से है सज्ज और पशु बल हो उठा निर्लज किंतु फिर भी जूझने का प्रण पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण प्राणपण से करेंगे प्रतिकार समर्पण की मांग अस्वीकार दांव पर सब कुछ लगा है रुक नहीं सकते टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते रेहान फदल बीबीसी दिल्ली